गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। बेटा हम लोगों ने थ्योरी सारी कर ली थी, अब इसके न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। उन्होंने बोला एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट हो रही है 10 मिनट्स में। वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन। मतलब कोई रिएक्शन अगर 20% 10 मिनट्स में हो रही थी तो उन्होंने बोला 75% कितने मिनट्स में होगी, ये पूछा है। सबसे पहले ये देख लो, ये आपका फॉर्मूला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। ए इज योर इनिशियल कंसेंट्रेशन। ए क्या होती है? आपकी इनिशियल कंसेंट्रेशन होती है, ठीक है। एंड ए नॉट हो गया इनिशियल कंसेंट्रेशन और ए होगी कंसेंट्रेशन रिमेनिंग, कितनी कंसेंट्रेशन मेरी रह गई, दैट इज कॉल्ड ए। क्लियर है ये दोनों? एक बेसिकली तुमने क्या पढ़ा है, इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है और ये देख लेना है कि मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरा फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है? अब 20% 10 मिनट्स में हो रही है, 75% कितने मिनट्स में होगी, हमने ये निकालना है। हमने सपोज कर लिया कि इनिशियली मैंने एक्स लिया था, ठीक है। इसको नहीं देखना, जो यहाँ पे लिखा है इसको देखने की जरूरत नहीं है, जो मैं करा रही हूँ उसको देखना। इनिशियली हमने एक्स लिया था, ठीक है। अब उन्होंने बोला क्या हुआ कि एक्स में से कितना रिएक्ट कर गया, 20% रिएक्ट कर गया, रह कितना गया, एक्स माइनस 20 अपॉन 100 इंटू एक्स, ये और ये कट गए 5, जो हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 4x अपॉन 5, ठीक है। ये रह गया, मतलब इतनी थी मैंने इनिशियली ले रखी थी, जब 20% रिएक्ट कर गई इतनी रह गई। तुमने बोला के किसके इक्वल हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी, ठीक है। टी हमें कितना दे रखा है 20% के लिए, 10। क्लियर है? फिर आ जाएगा लॉग, इनिशियली मैंने लिया था एक्स, रह कितना गया 4x अपॉन 5, फिर ये एक्स और एक्स कट जाएंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, मेरे पास क्या रह जाएगा, 2.303 अपॉन 10 लॉग 5 अपॉन 4, यही रह जाएगा। क्लियर है? अब लोग 5 अपॉन 4 को हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, इसके तरफ ध्यान देना। यहाँ पे 2.303 अपॉन 10 लॉग 5 अपॉन 4, इट मीन 5 माइनस लॉग 4 को हम लोग 2 की पार 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन 10 लॉग 5 माइनस 2 आगे आ गया, लॉग 2 बन गया। जिसने लॉग प्लस 1 में पढ़ा है बेटा उसे आ जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लॉग 5 की हम वैल्यू लॉग टेबल से देख लेंगे, माइनस 2 इंटू लॉग 2 कितना है, 0.3010। लॉग 5 की वैल्यू पुट कर देनी है, लॉग 5 की वैल्यू पुट करके माइनस 2 लॉग 2 की याद कर लेते हैं और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको इन सबसे मल्टीप्लाई करके, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ, लॉग 5 क्या होता है, लॉग 5 होता है कि जब हम लोग 5 को 0 में देखेंगे। ये लॉग टेबल है बेटा, ये मतलब तुम्हें कभी कभार क्या होता है पेपर में गिवन होता है, कि पेपर में ना गिवन होए आप आंसर यहीं तक ही छोड़ाओगे फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। पर इसके आगे भी करना है, यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकाल लेंगे सेम एट द आपको सेम क्या करना है, जो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो आपके पास के की वैल्यू आ गई, अब तुमने 75% सेम करना, इनिशियली मैंने एक्स ले लिया उसमें से, अब क्या हो रहा है कि एक्स में से 75% ऑफ एक्स क्या हो गया, मेरा माइनस हो गया। तो एक्स माइनस 75 अपॉन 100, क्योंकि परसेंट हटा के 100 लग गया, 3 अपॉन 4, जब तुम सॉल्व करोगे एक्स बाय 4 आ जाएगा। सेम वही होएगा, टी निकालना है 2.303, के की वैल्यू आप पिछले कंसेप्ट से निकाल चुके हो, लॉग आ जाएगा, इनिशियली एक्स लिया था, रह कितनी गई एक्स अपॉन 4, लॉग और लॉग कट गए, लॉग 4 आ जाएगा। सेम क्राइटेरिया जो अपनाना है आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्लियर है ये वाला? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज ही है, ठीक है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। करना कैसे है, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इतने मिनट ले रही है, 23.1 मिनट ले रही है 50% कंप्लीशन के लिए। उन्होंने बोला 75% कंप्लीशन के लिए निकालना है। सेम क्राइटेरिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या होती है, 2.303 अपॉन टी ए नॉट अपॉन ए। ए इज इनिशियल कंसेंट्रेशन और ए क्या होती है, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन। अब ए नॉट, इनिशियली मैंने एक्स ली थी, रिएक्ट कितनी कर गई, एक्स में से 50% ऑफ एक्स रिएक्ट कर गई, ठीक है। 50% ऑफ एक्स रिएक्ट कर गई, मतलब एक्स माइनस 50 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स। जब तुम सॉल्व करोगे रह जाएगा एक्स अपॉन 2, ठीक है। फिर वही 2.303 अपॉन टी, टी तुम्हें दे रखा था 23.1, लॉग कितना है,
ध्यान से देखो, लॉग कितना इनिशियली एक्स लिया था, रह कितना गया मेरा एक्स अपॉन टू, ये एक्स और एक्स कट गए, टू ऊपर चला गया, क्या आ गया लॉग टू। लॉग टू की वैल्यू होती है 3010, सॉल्व करके के की वैल्यू आ गई, ठीक है। के की वैल्यू क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट था, अब देखो ये भी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी कोई नहीं निकलेगी, हमेशा टी रह गया। टी की यूनिट्स क्या होती है, मिनट, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो मिनट इनवर्स हो गया, ठीक है। अब आगे 75% कंप्लीशन के लिए, 75 कंप्लीशन के लिए क्या है, इनिशियली मैंने एक्स ली थी, एक्स में से कितना रिएक्ट कर गया, जो मैंने पीछे कराया है, एक्स में से 75% ऑफ एक्स अगर मेरा रिएक्ट कर गया तो रह क्या गया 75/100, ये आ जाएगा मेरे पास 3/4, जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स अपॉन फोर, जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास लॉग फोर रह जाएगा, ठीक है। इस तरह सॉल्व होगी, जो तुम्हारा आके एक ही वैल्यू पुट कर देंगे जो ऊपर आई होगी और ये आंसर निकाल देना है। बुक में मैंने बेटा इस करके कराया बिकॉज क्वेश्चन तुम्हारे सामने होता है, कॉपी पे लिखूंगी क्वेश्चन लिखूंगी फिर टाइम भी ज्यादा लगेगा, न्यूमेरिकल्स कम होंगे। ये दो क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, किसी को नहीं समझ आई होगी तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है।